ओ हमारे सभी 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 सब अबे अबे यही भाभी घर हैं अबे यही है अबे टिंडू टुटू बॉडी काम का आदमी निकला यार अभी सभी तुम इससे काम बोलो तेरा भाई नहीं करे यार ये कैसे मुमकिन है यार हाँ कर ठीक है तू निकल वो मैं जाऊंगा लेकिन वो पैसे दे दे वो सारा किराया ना मेरा सारी जेब भी काली कर ली यार रस्ते वाले ने ए, वो लाल वाला दीजियो थैंक यू अच्छा मैं चलता हूँ इसका ख्याल रखिए गाड़ी में चीजें निकाल लेता है अबे यार चल यार सब यार तू भी किन चाहो अबे ठंडा करना बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे अबे बता दे सब्बू गेर तोड़ी है तेरा होने वाला साना है अबे वारे वाह सब्बी अबे तू मुझसे पहले पहुंच गया अबे बड़ी स्पीड है तेरी यार हाँ तो भाई गाड़ी और साइकिल के अंदर कोई तो फर्क होना चाहिए है अबे वो दो पहियों की है और मेरी गड्डी जो है चार पहियों की है तेरी बड़ी अबे तेरा इधर बैठ काम रहा अभी तू अब चलना ठंडन क्योंकि दो तो जरूरी बातें करनी है यार बातों से पहले मिठाई तो खा ले घर जाकर मिठाई मैंने भी जिक्र सुना था वो किस खुशी में है अपने सब्बी की सब्बू की बहन से मंगनी हो गई है सब्बी की मंगनी सब्बू की बहन से लेकिन वो सदन वो अबे एक भाई सब्बू के सामने तू एक लफ्ज भी नहीं बोलिएगा समझा वरना बहुत बुरे तरीके से बैठाऊंगा तुझे बता रही हूँ अबे लेकिन चक्कर क्या है तू तो इसको मेरी भाभी बता रहा था अबे गोंड लगा ले अपनी जुबान पर बता रही हूँ तू यहाँ एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा बता रही हूँ ये क्या खुसर पुसर कर रही हो तुम लोग वो कुछ नहीं सदन वो ऐसी सभी मुझे कुछ साइड में जाके तो बात कर रहा था तू यहाँ अकेले था वैसे भी सभी तुझे तो सीट के ले गए अब मैं ऐसा याद दिला रही था ना अब कुछ तो है तुम दोनों छुपा रहे हो देख भाई सब्बू तेरी आदतें जो है ना बिल्कुल औरतों की तरह जितना घर की औरतें टो लेने के लिए यहाँ वहाँ मुंह और आंखें नहीं करती है ना तो वो बिल्कुल वैसी बातें करता है अबे सभी तुझे सब्बू की बात क्यों बुरी लग रही है क्यों मिर्चा लग रही है तेरे अब छोड़ रहा सडन तू ये बता घर कब तक आएगी यार बहुत प्राइवेट बात करनी है यार तू जल कट ले आ रहे इंतजार कीजियो मेरा मुझे टाइम मिलेगा मैं आ जाऊंगी मूड होगा मेरा तो आऊंगी भैया अबे अबे वो तेरे गले में पट्टा डालने की बात कर रहा अब कुत्ते की तरह वो भी तेरे नहीं है फौरन चल चिल्लू सबो फौरन चल अबे सदन बात तो सुन अबे कुछ सुनना बाकी नहीं रह गया अब तमीज के जनों को अगर मैंने उनका पेड़ नहीं बजाया ना मेरा नाम भी सदन ही चल मजा चकाते सालों को चल छोड़ेंगे नहीं आज 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 छोड़ देंगे सबको चल पेड़ साइड बजा देंगे चल सबू निकल ले अबे 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 आ जाओ अबे पार्टी चल रही है यहाँ पर ये क्या बदतमीजी है निकलो यहाँ से तुम लोग तू निकालेगा मुझे अबे ओ साले मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से ओए चाचा अपने लंडे को संभाल ले बेटा इस वक्त हमारे मेहमान आए हुए हैं जो भी तुम्हें बात करनी है वो बाद में कर लेंगे ओहो बहुत ही अच्छा है मेहमान है तो वाह वाह क्या बात है इनको भी तो जरा पता चले तेरे तमीजदार बेटे के लक्षण क्या है बड़ा आया ठेकेदार बनने वाला इज्जत और शराफत का निकलो यहाँ से तुम लोग अबे क्या भूल गया क्या सारी तमीज अभी देख ये हरकत तो वैसा बाहर करता ना बता रहे तुझे एसी की तेजी कर देता ये क्या तरीका है तुम लोगों का जब हमारा तुम लोगों से वास्ता नहीं है तो क्यों आ गए इस तरह दंडनाते हुए यहाँ इस वक्त ओ चाची अपने बेटे से पूछ जो इसका मोहब्बत के झंडे काटता फिरता है इधर से उधर साला बकवास बंद करो निकलो यहाँ से तुम लोग क्यों बे सच कड़वा लगा तुझे देखो तुम जाओ यहाँ से इस वक्त कैसे दोगले रिश्तेदार है तेरे मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं अबे ज्यादा शौक है ना फड्डा करने का चलाया दो दो हाथ हो जाए अभी बाहर अबे अपने घर में तो बकरा भी शेर होता है बे तुम मुझ पर हाथ मारने की कोशिश कर रहे हैं साले मेरे भाई अब्बा बाप ने कभी मुझे गुस्से से नहीं देखा तू देखेगा अच्छा ये ले मार चल मार चल मार आज उठाना सदन ने भी चुटिया नहीं पहनी हुई बेटा आराम से बात करो ओए ज्यादा रिश्तेदारी बनाने की जरूरत नहीं है मेरे साथ मेरे लिए मेरे भाई अब्बा काफी है ये है ना अली गुलछंडे और आता पड़ता है आवारा लोंडियों के साथ ताला ये तो मैंने खुद देखा है जाहिल गवार और बदतमीज लड़की लेकिन इसमें कसूर तुम्हारा नहीं तुम्हारे बड़ों का जिस तरह की हरकतें वो घर में करते हैं वही हरकतें तुम करती हो बाहर जिस तरह गली सड़ी चीजों से बदबू अलग नहीं हो सकती उसी तरह तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के जहनों से जहालत बदतमीजी और तकब्बुर की बदबू दूर नहीं हो सकती लोग जिन बुराइयों से दूर भागते हैं वही तुम लोगों ने ओढ़ रखी ओ चाचा बस कर
ये तू पढ़े लिखे अंदाज में मेरे भाई अब्बा मुझे गालियां दे रहा है ना, है ना? मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से, जाहिल बदतमीज लोग हो तुम। जाहिल होगा तू और तेरा सारा खानदान, देख ले इसको, चक्कर चलाता फिरता है लंबियों के साथ, बाहर फूकता फिरता है, बड़ा आया मुझे पकाने के लिए, आएगा ना तू बाहर, लिपट लेंगे तुझसे, ठीक है? पिल्लू सबू देख लेंगे इसको। अरे बाप बेटे के लिए इतनी खुराक काफी में चल रहे मिले अच्छा नवाब साहब। अबे ओ साले मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, वही चाचा अपने लंडे को संभाल ले। बेटा इस वक्त हमारे मेहमान आए हुए हैं, जो भी तुम्हें बात करनी है वो बाद में कर लेंगे। ओहो बहुत ही अच्छा है, मेहमान है तो वाह वाह क्या बात है, इनको भी तो जरा पता चले तेरे तमीजदार बेटे के लक्षण क्या है। अरे तुम्हें तो अपनी बहन का जरा बराबर भी ख्याल ना आया, क्या कर लोगे तुम, ला सकोगे वो इज्जत जो हाशमी साहब के सामने उछल गई? लेकिन तुम्हें तो अपने इश्क से फुर्सत नहीं है। अगर सद्दन बयानी करना चाहती तो क्या बिठा के रखेंगे उसे? उम्मीद तो कहती हूँ ऐसा ना हो कहीं, जैसे भाई अब्बा अपनी सारी मोहब्बत निछावर करते हैं ना सद्दन पे, कहीं अपनी जायदाद का मालिक भी सद्दन को ही बना दे। ऐसे पैसों को मैं